अच्छा फिनिश कर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ आप सब अच्छे से स्वस्थ है, सुंदर है, अपने अपने कामों में मस्त व्यस्त है। मैं भी बैठ बैठ के सब कुछ खा रही हूँ। बस सुबह आप लोग मेरे फेस को ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं फ्रस्ट्रेटेड क्यों हूँ? बिकॉज ऑफ दैट रिबू का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन उसको जाना है ऑफिस एंड इसलिए मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैं उसको चिल्ला चिल्ला के यही बोल रही हूँ कि तुम्हारा पापा बोलेगा तुम्हारे साथ रहो, मेरी मम्मी बोलेगा तुम्हारे साथ रहो, तुम्हारी मासी बोलेगी तुम्हारा देखभाल करो, लेकिन लिए थोड़ा सा चाय बना। लेकिन तुमको तो मेरे बात को मानना ही नहीं है, तुमको ऑफिस जाना ही जाना है, तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम बहुत बड़ा हो गए हो एंड मेरी बात तो अब मानते नहीं हो। तो यहाँ पे रहने का फायदा क्या है? मैं क्यों रह रही हूँ? मैं चली जाती हूँ तो सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? मम्मी चटरपटर नहीं करेगी, उसको खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, जस्ट जैसे भी हो अपने बॉडी को लेके ऑफिस में जाके फेंकना है। तो मैं दे रही हूँ उसको बॉर्नविटा बना के, क्योंकि थोड़ा बहुत हेल्थी अच्छा हो जाए, बुखार थोड़ा कम हो जाए एंड उसके बाद वो ऑफिस चला जाए। आज दिन भर राइस वाइस कुछ नहीं बनाना है, आज दिन भर रोटी ब्रेड ये सब दे के चला लेंगे, बिकॉज जो भी उसको खाना बना के मैं दूंगी वो तो खाएगा नहीं, तो वेस्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ बनाना है जो वेस्ट ना। इसके साथ आप ये सोडा, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो, बेकिंग पाउडर यूज कर सकते हो, मेरे पास है ड्राई ईस्ट इंस्टेंट, ये यूज कर सकते हो। खाने का सिंपल सोडा है तो वन पिंच ये भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज करके आप नान बना सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ मैं बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करूँ, जस्ट फूलने के लिए इसका यूज करूँ, आज बेकिंग पाउडर का यूज कर, ईस्ट है फिर भी। तो सिंपल रोटी के बदले मैं थोड़ा सा नान बना को दू, सो दैट खाने का मर्जी नहीं है लेकिन वो मेनू देख के थोड़ा इच्छा हो। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा सॉल्ट लिया, थोड़ा सा शुगर लिया, उसके साथ दही लिया, कुछ बेकिंग एजेंट चाहिए होगा एंड मैदा ले लिया। मैदा को थोड़ा गर्म पानी के साथ मैं इसलिए गून रही हूँ सो दैट की मैदा थोड़ा सा रेज कर जाए, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो तो अभी नहीं कर पाएंगे, तो जो भी मैदा फूल जाएगा तो नान जो है तो खाने में अच्छा लगे। मैदा अगर पुराना हो तो जो ज्यादा पानी सोख करता है, मैदा अगर नया हो तो ज्यादा पानी वो ले नहीं पाता, तो उसको थोड़ा चेक करके थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करिए एंड मैदा में पहचान हो तो ही ज्यादा पानी ऐड करिए। अभी ये कैसरोल में ही रख दिया सो दैट ये प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा चाय पीता को थोड़ा सा रेस्ट देना है सो दैट मेरा दिमाग भी थोड़ा सा कूल हो जाए। ज्यादा ज्यादा अगर आप गुस्सा करके खाना बनाते हो वो जो खाने में आपका गुस्सा चला जाता है एंड उसके बाद वो खा के घर वाले अच्छा नहीं हो पाते है, तो ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए जैसे ही मैं प्लांट्स देखने गई, आप देखो ये पिजियन क्या कर रहा है, बैठ के सब कुछ खा ले रहा है, जितना भी कर लिया है, जितना भी कर लिया पूरा फेंक रहा है काट के दांत से। देखो कितना बदमाश, कितना बदमाश, तो पहचान के देखो सारे प्राण काट कर आ गया, आ गया, स्कूल गया, स्कूल गया। वो लेस बॉदर इस मामले में, मतलब उसको खाना पीना सोना अगर टाइमली हो जाए तो उस टाइम वो पैरादारी कुछ भी नहीं करेगा। अभी उसका खाना पीना हो गया है, रिबोस का मूड हो दिया है, मतलब सब कुछ खत्म, तो अभी वो क्यों हिलेगा, अभी वो सोएगा, मतलब इतना कूल है इसको भी अपने मामले। तो चलो मेरा चाय पीना भी हो गया, किचन की तरफ चलते हैं, मैदा भी रेस्ट हो चुका है एंड अभी सैंडविच में मैं बना लूंगी। सैंडविच पूरा सिंपल रखेंगे, रिबू को सिंपल ही पसंद है, मैं तो कोई टेस्ट उसको आएगा नहीं, तो जैसे तैसे करके बनाने से चलेगा। उसके अंदर चीज दू तो पसंद नहीं, मेयोनीज दू तो पसंद नहीं, अच्छा ऑनियन तो हम खाते नहीं है सैंडविच में, कोई भी नॉन वेज आइटम, क्यूकम्बर टमाटो दू तो वो लेगी लेगी हो जाए, वो ऑफिस में ले जाने के लायक नहीं रहेगा। जो भी हो वैसे ही बना के सिंपल दे देते हैं, ऑफिस में माइक्रोवेव है वो गरम करके लेगा सैंडविच, और किसको बनाना नहीं आता है। लेकिन यहाँ मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा ग्रिल ग्रिल टाइप का एक पिक्चर ही क्रिएट कर रही हूँ सो दैट कुछ तो हो, मतलब इतना सिंपल बनाने का कभी कभी मन नहीं करता है ना, इतना सिंपल कौन खाता है, मेरे को थोड़ा सा चीज पीजी सब कुछ दो तो अच्छा लगता है, लेकिन रिबू को नहीं अच्छा लगता है ना, अभी तबीयत खराब है, ज्यादा जोरा जोरी हम कर नहीं सकते हैं, तो सिंपल सैंडविच ही बना के उसको दे रहे हैं। अभी चलिए देखते हैं नान का मैदा रेडी हुआ है कि नहीं है। हाँ ये फुल रेडी हो चुका है, तो चलो इसको बना के देते हैं। रिबू को एक्चुअली ब्लंट टेस्ट वाला कुछ भी खाना बहुत अच्छा लगता है, तो चलो एक बार इसको बंगाली में बोलते हैं धोलाई मलाई करके, दैट मीन्स इसको और एक बार गून लेते हैं एंड इसके बाद मैदा रेडी है। लेकिन मेरा बीच बीच में यही चक्कर लगा रहता है कि हाँ चलो एक रेस्ट होता है, बोलते हैं कि आंखों का माइंड का रेस्ट होता है कि प्लांट्स को एक बार देख के आओ, तो अभी मैं बना लूंगी ना। वेरी सिंपल घरेलू प्रोसेस से मैं बनाती हूँ, बहुत टाइप का ट्राई भी करती हूँ, जितना भी इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को दिखाया है सबसे ही मैं एक एक बार बना के देखी हूँ,
कोई भी टेस्ट में इतना फर्क नहीं आता है। खाली अब 20 रुपये वाला खरीदो, 40 रुपीज वाला खरीदो, 60 रुपीज वाला खरीदो, 80 रुपीज वाला खरीदो, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन एंड माइनस करो, इनोवेशन करो एंड उसका प्राइस में चेंजेस करो एंड वीडियो अपलोड करो नाम बदल के। बेसिक चीज वही रहता है एंड इस तरीके से ही मैं बना के दे रही हूँ। 24 इंच के हिसाब से मैं बना रही हूँ, सो दैट वही बोले ना कि होटल वाला फीलिंग थोड़ा बेटे को लाके दो, सो दैट उसको खाने का मन करे। मतलब वही सुबह सुबह बहुत कुछ बता दिया है बेटे को, क्यों आई हो, क्यों खाना नहीं खाते हो। एक्चुअली मुझे भी डांट पड़ता है, मैं भी उसको बात सुन कर देती हूँ, कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ क्योंकि अगर बच्चा बीमार पड़ेगा तो हाँ ऑब्वियसली सब लोग माँ को ही बोलते हैं और किसको बोलेंगे कि माँ तुम हो तो किस लिए हो, है ना, इसलिए ही मैं बोलती हूँ। तो चलो जो भी हो बना लेते हैं, अभी तो मूड सही हो गया है प्लांट्स एंड चाय पीने के बाद, उसके बाद स्कूबी का एक्टिविटी तो रहता ही है, इसलिए ज्यादा देर कुछ माइंड में रख नहीं पाती हूँ। लेकिन आंखों में बहुत ज्यादा, क्या बोलते हो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। चश्मा मेरा 6 महीने में एक बार बिगड़ जाता है एंड ये बिगड़ भी गया है, तो उसको बाद में जाके सही करेंगे। फिलहाल बेटे का तबीयत सही करते हैं। नान अब देख सकते हो मैं माइक्रोवेव से सब्जी गरम कर रही हूँ तो उधर बीच बीच में जा रही हूँ एंड देखो ये फूल चुका है। ना तो मैंने इसको ग्रिल किया, ना तो मैंने तावा पे थोड़ा पानी छिटा, ना तो इसको उल्टा के कुछ भी नहीं किया भाई, फिर भी रेडी हो चुका है। इसमें ग्रिल फीलिंग देना हो तो ऐसे ही मैं दे देती हूँ, जस्ट लाइक फुलके की तरह इसको सेक लेती हूँ। अभी रिबू को पसंद है बटर नान, तो इसके ऊपर मैं बटर दे रही हूँ। आपके सामने इसे छोरी कटर भी लेके स्टाइल मार रही हूँ, ऐसे मैं करती नहीं हूँ, तो इतना सिंपल तरीके से करती हूँ। अभी बाकी का जो नान बनाया ना, एक पराठा के साइज में बनाया है, उसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड किया एंड उसके बाद रिबू को थोड़ा सा टेस्ट करा के दे रही हूँ क्योंकि वो ऑफिस लेके जाएगा एंड उसको बता दी हूँ कि हाँ इसको माइक्रोवेव कर लेना, तो जो है करेगा कि नहीं करेगा पता है इसको। हाँ ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता। जो लोग IT प्रोफेशन में है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पता है कि हाँ कभी 8 बजे भी काम खत्म हो सकता है, कभी 12-1 बजे होल नाइट भी काम चल सकता है। कितना भी आपका तबीयत खराब हो, आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना पड़ेगा। टिफिन लेके रिबू तो ऑफिस चला गया था लेकिन अभी शायद 3 बजे है, रिबू वापस आ चुका है। बिकॉज ऑफ दैट उसका तबीयत बहुत खराब लग रहे थे, कुछ भी नहीं खाया, बुखार भी ज्यादा था। घर पे आके रेस्ट तो नहीं कर पाएगा, घर से ही ऑफिस करेगा एंड खाना वाना सब कुछ वापस आ गया। सो मॉर्निंग में जो मैं बता रही थी, अब देखो इवनिंग होते होते वो बातें सच हो गया। तो आज और वीडियो शूट मैंने नहीं किया। इस बीच को भी आके यह पी करके चला गया है। ये जगह धोते धोते ही मैं आज बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, सो आज और वीडियो नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग बस सुबह आज रिबू के लिए चाय बना रही हूँ। बोनबीटा पिएगा तो और ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता है। एक्चुअली कल जो है छुट्टी लेके आया था, उसके बाद काम करने में तकलीफ हुआ था, आज छुट्टी ले लिया है, सिक लीव है, तो आज ब्रेकफास्ट करेगा। थोड़ा चाउमीन बना के दे रही हूँ, एक्चुअली में उसका कोई टेस्ट नहीं है, तो जो चाउमीन था उसी को मैं बना के दे रही हूँ। शायद जो जो फेवरेट चीजें है वो बना के दूँ तो टेस्ट जल्दी आएगा, खाएगा कि नहीं पता नहीं, बना के दे रही हूँ। तो इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ। एक्चुअली उसको टिफिन में ऐसे मैं भेजती थी बना के, जो वो स्कूल जाता था या कॉलेज जाता था, तो उसी स्टाइल में बना रही हूँ थोड़ा सा। ओ तो इतना काम था इसका, आप क्या कर सकते हो, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा इसको हिला छिला के जो करेला की सब्जी है ऑलरेडी, उसको मिला सकते हो, मिला के आप खा सकते हो। ये छोटी टंगी का प्लस पॉइंट है, ऐसे हम इसको खा लेते बस करेला के साथ थोड़ा सा मिला के।
क्योंकि वो हुआ था ना, खुद से ही हुआ था ये वाला, तो मैं सोच के रखती थी कि कैसे इसको खाऊंगी, ऐसे ही खाना पड़ेगा। अच्छा बन गया सब। आज श्योर सोचते हैं यहाँ पे काम होगा ही होगा। देखो स्कूबी ने कल तो यहाँ पे सूसू कर दिया, तो पूरा धोना पड़ा। थोड़ा सा मैं वीडियो करके रखी, कल पूरा टायर्ड हो चुकी थी ये काम करने के बाद, आज सोच रही कि हाँ आज करेंगे ही करेंगे। जस्ट काम करने आई तो मतलब 245 या 250 अभी टाइम है। देखो फिर से आज बारिश, आज करूँगी जितना भी बारिश हो जैसे भी हो, आज करना ही पड़ेगा। थोड़ा बारिश के बाद तो 2-3 घंटे के बाद जैसे ही सूख जाएगा तब करूँगी। खूब ही कितना झमेला करता है, देखो यहाँ पे आके उसको सूसू करने की क्या ज़रूरत थी, नहीं तो कल हो जाता ना। आज बदमाश हो गया है, बहुत बदमाश हो गया। छुपके से आया मेरे पीछे पीछे यहाँ पे करके चला गया। फिर कैसे काम करते ये वाला, आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, साबुन दे के पूरा धोना पड़ा, इतना सब कुछ हटा के धोना इजी काम तो नहीं है इतना छोटा जगह पर। फिर पानी लाना, 6-7 बाल्टी पानी पूरा यहाँ पे दे के धोना पड़ा। जो भी आए धोखा दे के चले जाए, लेकिन जो आपने ठान लिया वो करना है। आज करूँगी, छोड़ूंगी नहीं। सबके साथ लड़ना कितना मुश्किल। मिशन हमला, देखो सब कुछ लेके जा रहा है, कलिया काट के फेंक रहा है, वहाँ पे हमला बोल रहा है क्या दिया है प्लांट्स को। ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा। मिलके आए हैं, झुंड मिलके आए हैं। वहाँ पे उस साइड में तो एक दो कर रहे थे, यहाँ पे पूरा ठिकाना मिल रहा है, सब खा रहे हैं, सब मेरी बातों को समझ रहे हैं। यू नो जा रहा है कहीं ऐसे, है ना। हमारा स्कूबी बाबू यहाँ पे जो घूमता है वो कहाँ है, वो सो रहा है, वो नहीं आएगा यहाँ पे। नए नए बीज दी हूँ, वो सब खा लेता है। शुरुआत हो चुका है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे काटिंग है, जिंदा है एंड कुछ मर गए हैं, तो उसको उखाड़ के फेंक दी। वो लगभग 4 मर गए हैं 10 में से, एंड बाकी कुछ सब जिंदा है। अभी भी खाली कर दी हूँ, लेकिन और वीडियो नहीं करूँगी, इसके बाद मैं शेयर करूँगी कि क्या किया, क्योंकि यहाँ पे छोटा प्लेसमेंट डबल काम करना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। लेट हो जाएगा अगर यहाँ पे मैं वीडियो करने जाऊँ तो, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। जो करना चाहूँगी वो नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए पहले ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद ही शेयर करूँगी। कुछ अगर पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, फर्टिलाइज़र कुछ भी दूँ तो मैं अलग से वो वीडियो शेयर करूँगी, सो दैट जो मेरे से थोड़ी कम जानते हैं उनके लिए वो शेयरिंग यूज़फुल रहेगा। छोटी सी कम्युनिटी में थोड़ा सा पॉजिटिविटी मैं शेयर कर दूँगी डेफिनेटली। तो फिलहाल काम ख़त्म कर दिया, जो टास्क है उसको फिनिश करके फिर आते हैं। कंप्लीट अभी मैं उस साइड जा रही हूँ और वीडियो अभी नहीं कर पा रही हूँ, हाथ से फिसल रहा है फोन, तो एक बार दे भी गया है, स्क्रैच भी आ गया है, तो चलो वीडियो नहीं करते हैं, वहाँ से काम करते हैं क्या। अच्छा लगा, स्प्रे हो गया है। तो देखा आप लोगों ने हमने क्या क्या किया आज तक, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। यहाँ पर बैठ के बहुत टाइम हो गया, बहुत इंजॉयबल मोमेंट था, सब कुछ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो इस वीडियो को एक बार खत्म करते हैं, निकल वीडियो को खत्म करते हैं। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, सी यू सून।